नमस्कार, हमारे CBSE प्रत्याचार कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पर। दोस्तों, कीप्स ऑफ एग्ज़ाम आपको हमेशा अच्छी अपडेट देती है। दोस्तों, CBSE ने एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, CBSE ने एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका दिया है आपके लिए। ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों बिना स्किप की, वजह से कि आपको पूरी बात समझ आएगी, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर जाइएगा तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगी। और CBSE ने सच में बहुत ही बड़ा झटका दिया है हमारे स्टूडेंट्स को। दोस्तों, जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो उसे ज़रूर शेयर कर देंगे दोस्तों, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि CBSE ने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है हमारे बच्चों के लिए। उनका कहना है कि जो स्टूडेंट्स हमारे 2021 के जो प्राइवेट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने वाले थे, सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए एग्ज़ाम कराई जा रही है। जो हमारे कमेंट्स में जो आप सबने पूछा था दोस्तों, मैं उन सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि 2020 के लिए जिन्होंने भी पूछा था, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं दोस्तों कि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऐसा CBSE की तरफ से कुछ भी नहीं आया है कि आपको भी एग्ज़ाम देना है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि जो पोर्टल है, जी हाँ दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वो जो है दोस्तों आपको स्कूल जाकर ही खोल सकते हैं और स्कूल वाले ही खोल सकते हैं, आप या मैं नहीं खोल सकता। तो स्कूल जाकर के ही आपको सारी चीज़ें करनी होंगी और अप्लाई करना होगा दोस्तों। CBSE का कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से क्या कंडक्ट करा रहे हैं इस कोविड में, कुछ समझ नहीं आ रहा शायद क्या होने वाला है। ये देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।